तहखाने के अंदर में कुल 153 पैकेट, इसका कुल वजन 161 किलोग्राम है, जिसमें गांजा जैसा मादक पदार्थ होना पाया गया। इसमें कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की। गुड़ लगतनी समाचार बटुए आरा से 161 किलो गांजा भइल जब्त, पूर्व मुखिया पति समेत 4 गो आरोपी भइले गिरफ्तार। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार, एसपी श्रीराज के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब कर ली, फेसबुक पेज को देखता नहीं तो फॉलो कर ली, देखला के बाद शेयर जरूर करी। आरा शहर में नवादा थाना क्षेत्र के आरा के चंदवा मोड़ के भीड़ी पुलिस घेराबंदी क के पिकअप गाड़ी के अंदर बनल तहखाना से 153 पैकेट गांजा बरामद कैले बिया, जेकर कुल वजन 161 किलोग्राम बतावल जा रहा बा। पुलिस एहमे लाइनर के कार्य में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन के जब्त करत, एगो पूर्व मुखिया पति समेत 4 गो गांजा तस्कर के गिरफ्तार कैले बिया। सूप के अपन कार्यालय में प्रेस वार्ता क के उपलब्धि के जानकारी देते एसपी श्रीराज बतैनी कि पुलिस के गुप्त सूचना मिलल कि उड़ीसा से पिकअप वाहन में छिपा के तस्कर के द्वारा गांजा के खेप के आरा ले आवल जा रहा बा। जेकरा बाद सदर एएसपी परिचय कुमार के नेतृत्व में एगो टीम के गठन कैल गेल, जौना में नवादा थानेदार आ DIU के साथ भारी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल रहल। पुलिस टीम नवादा थाना क्षेत्र के पश्चिमी रेलवे ओवर ब्रिज रोड पे नाका लगा के वाहन जांच कैलस। पुलिस एगो पिकअप गाड़ी के रोकलस, जब ओकर तलाशी लिहल गई तो तहखाना में 153 पैकेट गांजा बरामद भइल, जेकर वजन 1 क्विंटल कुल लगभग 161 किलोग्राम बतावल जा रहा बा। एक साथे पुलिस गांजा लदल पिकअप वाहन के साथ तस्करी में शामिल आ पिकअप के आगे पीछे चल रहा लाइनर कार्य में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन जब्त करत, लाइनर हरेराम यादव सहित तस्करी में शामिल 3 जना के गिरफ्तार कर लेलक, जौना में बभनियाओं गांव के चंदन शाह, मुकेश कुमार सिंह आ धनगाई थाना क्षेत्र के दीघा गांव के विजय कुमार शामिल बाड़े। हरेराम यादव बभनियाओं पंचायत के पूर्व मुखिया के पति बतावल जा रहा बड़न। तो इस तरह से गांजा तस्करी के मंसूबा पे पानी आरा पुलिस फेर देले बिया। पहले रउरा सभे शराब के तस्करी तहखाना में सुनले होखब, लेकिन एह बार गांजा के ही तहखाना में तस्करी करे के काम शुरू कर दिहल लोग। लेकिन यारा पुलिस ह बबुआ, ओहू में श्रीराज के नेतृत्व में बनल टीम ही आ। अगर गड़बड़ सड़बड़ करब तो बुझल कि लाल कोठरी जाए के बा, आ ओहमे जाके झाल बजावे के बटुए। अब यह कुल तस्कर लोग के NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके लाल कोठरी में भेज दिहल बा। एह पे SP के का बयान आइल बा रउरा खुद उनका मुँहे सुनी, लेकिन निहोरा बा कि चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब, फेसबुक पेज पर देखता नहीं तो फॉलो करके शेयर करी। भोजपुर पुलिस के द्वारा लगातार जो मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, उसी क्रम में पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था। इस सूचना पे पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से लगी हुई थी और इसी के उपरांत ये कार्रवाई की गई है। 3 तारीख को नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुआ कि उड़ीसा से कुछ मादक तस्कर जो हैं वो गांजा लेकर आ रहे हैं, और इनके पीछे हमारी टीम लगी हुई थी, जिसमें DIU की टीम और थाना अध्यक्ष नवादा और इनकी पूरी टीम स्वयं इसमें लगे हुए थे। इसमें कार्रवाई करते हुए एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो, जो कि स्कॉर्पियो लाइनर का कार्य कर रहा था, और एक पिकअप जहां पर ये मादक पदार्थ गांजा जैसा मादक पदार्थ इस पर लोडेड था। जब इस पिकअप को चेक किया गया तो तहखाने के अंदर में कुल 153 पैकेट, इसका कुल वजन 161 किलोग्राम है, जिसमें गांजा जैसा मादक पदार्थ होना पाया गया। इसमें कुल 4 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें से प्रमुख अपराधी जो है, मतलब जिनका ये सामान था जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, वो हरेराम यादव है, पिता विश्वनाथ सिंह जो कि बग नियाव गांव का रहने वाला है, थाना जगदीशपुर, दूसरा चंदन शाह, तीसरा मुकेश कुमार सिंह, चौथा विजय कुमार सिंह। ये तीन जगदीशपुर थाना और एक धंगाई के रहने वाला है। हरेराम यादव जो है, चूँकि पूरा ये मटेरियल इन्हीं का है और ये पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं,
तो इन चारों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की जा रही है। कितने का होगा सर? इसका बाजारी मूल्य हम लोग आकलन कर रहे हैं और इन चारों का आपराधिक इतिहास भी हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कहाँ से ले के आ रहा था, तो ये सूचना हमें है कि उड़ीसा, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है कि और ये वहाँ पे कौन कौन अपराधी हैं, उन लोगों को भी जो है चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। कहाँ लेके जा रहा था सर ये? जगदीशपुर लेके जा रहा था हरिराम यादव ही, ये चूँकि रिसीवर थे और ये लोग वहाँ से उड़ीसा से लेकर आ रहे थे, और एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप को इसमें सीज किया। बरामद कहाँ से हुआ है सर? बरामद नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत से हुई है। जगह है पश्चिमी रेलवे और ब्रिज के रास्ते चंदवा की ओर जाते हुए वहाँ। इस पंचायत के मुखिया पूर्व मुखिया रहे हैं, ये बवनियाव गांव है थाना जगदीशपुर।